ओके सो वेलकम बैक मैं रामी तिवारी टीचर ट्रेनर एंड मोटिवेशन स्पीकर आप सभी का ट्वेंटी फोर सेवन के ऑफिशियल यू चैनल चैन पर स्वागत करता हूं आज के सेशन में आज के इस क्लास में आज के इस छोटे से वीडियो में बच्चों हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाले हैं स्क्वायर्स फ्रॉम वन टू हंड्रेड राइट यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ये मालूम ही होगा आप लोग को है ना हर एक बच्चे को बहुत अच्छे से पता है कि आजकल के जो कॉम्पिटिशन्स में मैथमेटिक्स का पोर्शन है उसमें आपकी नॉलेज का टेस्ट नहीं हो रहा है आपके स्पीड और एक्यूरेसी का टेस्ट हो रहा है और मैं मानता हूं कि मैथमेटिक्स का ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जिसमें कि कैलकुलेशन ना हो खुद सोच के देखो क्या कोई ऐसा मैथमेटिक्स का क्वेश्चन होगा जिसमें कि कैलकुलेशन ही ना हो जिसमें कि एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन डिविजन ना हो, है ना मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई क्वेश्चन बना होगा तो इसका मतलब यह हुआ कि हर एक क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कैलकुलेशन है और कैलकुलेशन में ये सारे कुछ ऐसी चीजें होती हैं कैसे टूल्स होते हैं जिनका आप बार बार इस्तेमाल होते हो देख ही पा रहे है ना तो अगर आपके पास इनकी राइट अप्रोच नहीं है यानी कि अगर आपको नहीं पता कि हम वन से लेकर के हंड्रेड तक के स्क्वायर्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं या तो देखो दो ही ऑप्शन है या तो आपको याद होना चाहिए और याद नहीं है तो फिर आपको अप्रोच पता होनी चाहिए जिससे कि आप इजिली उसको तुरंत क्रैक कर सको करेक्ट तो वो हम यहां पर आज के सेशन में डिस्कस करेंगे बस दस मिनट से पंद्रह मिनट हम आपका लेंगे और हम आपको पूरा का पूरा वन से लेकर के हंड्रेड तक के स्क्वायर्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं हम आपको आसानी से बता देंगे आप लोग उसको नोट कर लेना सीख लेना उसका

एटलीस्ट आपको वन से लेकर के 25 तक का स्क्वायर तो रटा होना चाहिए बिल्कुल है ना one से लेकर के 25 तक के स्क्वायर तो आपको याद होने चाहिए और मुझे उम्मीद है कि यार इतना तो हर एक बच्चे को याद होता ही होता है कि ऐसा कोई बच्चा है जिसको वन से ट्वेंटी तक के स्क्वायर नहीं याद आप में से कोई ऐसा है जिसे वन से लेकर ट्वेंटी फाइव तक का स्क्वायर नहीं पता हो मुझे लगता है हर एक बच्चे को इतना तो पता ही होगा ना कि वन का स्क्वायर वन टू का स्क्वायर फोर थ्री का स्क्वायर नाइन राइट ट्वेल्व का स्क्वायर वन फोर्टी फोर फिफ्टीन का स्कवायर टू ट्वेंटी टू का स्क्वायर होता है फोर टू फोर करेक्ट है कि नहीं है ना हर एक बच्चे को बता होगा फोर एट फोर सॉरी ट्वेंटी फाइव का स्क्वायर होता है आपका छः सौ पच्चीस हर एक बच्चे को इतना तो पता ही है ठीक है और अगर इतना पता है तो आप यकीन मानिए पूरा का पूरा यानी कि वन से लेकर के फिर हंड्रेड तक के स्क्वायर्स आपको मालूम हो गए आज के सेशन में अगर आपको इतना पता है तो वन से लेकर के हंड्रेड तक के स्क्वायर्स आपको मालूम होंगे ठीक है ओके आप कैसे सर आपने इतनी बड़ी गारंटी ले, ले ली कि अगर मुझे एक से पच्चीस तक का स्क्वायर याद है तो मुझे एक से सौ तक का स्क्वायर याद है इसका मतलब ये कैसे कह सकते हो सर देखो बहुत आराम से समझो सबसे पहले हम लोग बेस लेंगे बेटा क्या हंड्रेड का हम लोग क्या लेंगे हम लोग बेस लेंगे हंड्रेड का ठीक है <coughs> नोट करते चलना अभी तो फिलहाल है ना अभी हम लोग बेस लेंगे क्या बेटा हंड्रेड का बेस हंड्रेड का मतलब क्या होता है यानी कि हंड्रेड के जो आसपास के नंबर्स होते हैं हंड्रेड के जो आसपास के नंबर्स होते हैं अगर हमें उनका स्क्वायर निकालना हो तो क्या होनी चाहिए राइट अप्रोच जैसे लेट सपोज मैंने कहा नाइनटी है तो क्या सर नाइन्टी का स्क्वायर हम निकाल पाएंगे बिल्कुल निकाल पाओगे बेटा जो भी नंबर्स हैं जो हंड्रेड के करीब हैं जैसे नाइनटी टू नाइनटी थ्री नाइनटी फोर नाइन्टी फाइवी एट नाइनटी नाइन है ना एटी एट एवन एटी सिक्स ये कैसे नंबर के करीब है तो यहां पर हम इसको एक नाम देंगे पता है क्या इस अप्रोच का नाम होगा सारे बच्चों इस अप्रोच का नाम होगा कर्मा अप्रोच कौन से अप्रोच है बेटा ये कर्मा अप्रोच सर कर्मा अप्रोच क्या होता है अभी आपको मालूम चल जाएगा ना ये कर्मा अप्रोच है तो कहने का मतलब ये है कि आपको सिर्फ और सिर्फ ये फाइंड आउट करना है कि जो हमारा 92 है वो 100 से कितना कम है सारे बच्चे जो हमारा 92 है वो 100 से कितना कम है बच्चों हमने कहा सर ये 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 8 8 8 कम 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 है 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 अगर अगर बेटा 100 से ये अगर 8 कम है, तो कुछ नहीं करना कर्मा अप्रोच है इसी के ऊपर ये असर करेगा ये अगर आठ कम है तो इसकी करनी का फल कौन भोगेगा ये खुद भोगेगा कहने का मतलब एट इसमें से आप कम कर दो बस सिंपल हंड्रेड से कितना कम है एट कम है तो इसमें से आप एट माइनस कर दो

मैंने कहा 94 का स्क्वायर निकाल के बताओ जल्दी से सा सारे बच्चे 94 का स्क्वायर अगेन आपको कुछ नहीं करना आपको सिर्फ ये देखना है कि नाइनटी फोर जो है वो हमारे 100 से कितना कम है हमारे हमारे 100 100 से से ये 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 कितना कितना कम 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 है 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 हमने सर बच्चों तो इसकी करनी का फल कौन भोगेगा अगर ये छह कम है तो खुद ही भोगेगा ना कर्मा रोष तो यही कहती है ना कमी तुम्हारे अंदर तुम ही इसका भुगतान करो तो यानी कि छे इसमें से आप माइनस कर दो कुछ नहीं करना आपको छ माइनस कर दो कितना आ आ गया गया हमने सर करेक्ट है कितने कमी है हमने साथ छे की कमी है छे का स्क्वायर कर दो यानी कि छत्तीस एट एट थ्री सिक्स क्या किसी बच्चे को जरा सा भी कोई डाउट जरा सा भी कोई कंफ्यूजन नहीं है ना आगे बढ़े और लिया जाए कुछ नया ट्राई किया जाए करते हैं अच्छा थोड़ा सा और अगर हम देखें नाइनटी नाइन यानी कि और हम हंड्रेड के करीब पहुंच जाए तो नाइन्टी नाइन का स्क्वायर कौन सा बच्चा बता पाएगा सबसे पहले ओरली कर रहे हो आप लोग है ना आपको याद नहीं है आप लोग ओरली क्रैक कर रहे हो कमाल है बहुत शानदार बताओ सारे बच्चे नाइन्टी नाइन का स्क्वायर कैसे निकालेंगे सबसे पहले आप चेक करो कि 100 से कम कितना बेटा ये कितना कम है 100 से हमने सर एक कम है तो इसकी करने का फल ये खुद भोगेगा एक कम है तो एक इसमें से माइनस कर दो कितना आएगा हमने सर 98 आएगा राइट अब कमी कितने की हमने सर वन की है तो वन का स्क्वायर कितना हुआ बच्चों वन का स्क्वायर कितना हुआ वन हुआ लेकिन हम वन नहीं लिखेंगे क्योंकि देखो यहां पर हम दो दो प्लेसेस दे रहे हैं ना तो हम यहां पर जीरो वन नोट करेंगे बस यही आपका आंसर हो गया यही आपका आंसर हो गया और भी ट्राई करें कुछ है ना और भी चलो ट्राई करते हैं ठीक है और भी कुछ देखते हैं चलो बेस 100 के ही 8 के इर्द-गिर्द हम लोग और भी नंबर्स को पिक करते हैं अभी खत्म नहीं हुआ आपका बेस 100 है ना और भी तो चीजें हो सकती हैं ना बेस 100 के करीब जैसे कि लेट्स सपोज हमने आपको एक नंबर और दिया जल्दी से सा सारे बच्चे इसका स्क्वायर निकाल के दिखाएं दम है तो नंबर है आपके सामने बेटा 88 का स्क्वायर करके बताओ 88 का स्क्वायर कौन सा सब बच्चा सबसे पहले बता पाएगा बच्चों 88 का स्क्वायर सबसे पहले कौन सा बच्चा बता पाएगा बहुत आसान है बेटा देखो बहुत आसान है कम चेक करो कितने की कमी है 88 जो है वो 100 से कितना कम बेटा ये हमने सर 12 की कमी है तो कुछ नहीं करना आपको इसमें से 12 माइनस कर देना है जैसे आपने पहले किया चेक करो अभी आपने भी यही किया ना आपने क्या किया है ना जितने की कमी थी उतना आपने माइनस कर दिया सेम अप्रोच हुआ यहां पर भी इसमें से आप बारह माइनस कर दो तो बारह माइनस करो कितना आएगा हमने सर आएगा बोलो है ना 76 आएगा आपने 12 माइनस कर दिया ठीक है अब 12 का स्क्वायर जो यहाँ पर बारह है उसका स्क्वायर कर दो बारह का स्क्वायर होता बेटा कितना? हमने सर होता तो है लेकिन क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ दो प्लेस ही तो हुआ ना हमने कोई यहां पर बेसिक अप्रोच तो लगाया नहीं कि एट का स्क्वायर मतलब 88 88 कर रहे हम तो ये काम किया ही नहीं है ना हम तो डायरेक्टली यहां पर ओरली इसको क्रैक कर दिया सेवन सेवन फोर फोर एक और किया जाए

अप्रोच यही तो है कि जो जितना कम है हंड्रेड से उसका इफेक्ट इसके ऊपर ही पड़ना है कितना कम है, 14 कम है। तो फोर्टीन इसी में ठीक है अब आपको पता होना चाहिए फोर्टीन का स्क्वायर कितना होता। मैंने कहा ना वन से ट्वेंटी तो रटे होने चाहिए तो फोर्टीन का स्क्वायर कितना सॉरी वन नाइन सिक्स है ना वन सिक्सटी नाइन किसका होता है 169 तो 13 का होता है 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 ना 13 का का और 14 का कितना होता है? 196 होता 196 तो हम क्या करें? हम के दो प्लेस करेंगे 96 और ये जो मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को जरा सा भी कोई डाउट रहा होगा तो ये रहा पूरा का पूरा अप्रोच बेटा जहां पर आप जो नंबर्स ऐसे हैं जो 100 के करीब हैं उनका आपने स्क्वायर निकालना सीखा अब जो नंबर्स 100 के करीब ना हो उनका स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे बहुत आसान है बेटा है ना एक और हम आपको फिर अप्रोच देते हैं वो अप्रोच है बेस 50 के करीब वाले नंबर्स के लिए है ना बेटा जो बेस 50 के करीब होंगे उनके बारे में जान लो जल्दी से सारे बच्चे यानी कि जो बेस 50 के करीब हो हो जाएगा बहुत आराम से हो जाएगा है ना जैसे कि बेस 50 के करीब कौन-कौन हो सकता है हमने सर 44 हो सकता है तो हमें फोर्टी फोर का स्क्वायर निकालना है तो यहां पर कर्मा अप्रोच काम नहीं करती है है ना? यहां पर बच्चों कर्मा काम काम नहीं करती। बाकी सब करेगा। देखो, अब हम चेक करेंगे कि ये से कितना कम है बोलो ये बच्चों तो इस बार इस बार जो छे की कमी है उसका इफेक्ट इनके ऊपर नहीं पड़ेगा इनके ऊपर पढ़ने से पहले इनके लिए कोई ढाल बन के सामने आएगा इनका कोई एक प्रोटेक्टर होगा कह सकते हो ना इन, इनके इनको बचाने वाला कोई होगा तो छे की कमी जो है वो हम कहा माइनस करेंगे पता है पच्चीस में यानी कि इसका जो इफेक्ट होगा उसका सामना कौन करता है 25 फाइव यानी कहने का मतलब यह हुआ कि जितनी की कमी होगी उतना हम 25 में से माइनस करेंगे हम इसमें से नहीं माइनस करेंगे इसका अच्छा और बुरा कौन झेलेगा 25 इस बार झेलेगा बस आपको इतना याद रखना है यानी कितने की कमी है हमारे साथ छह की कमी है तो आप किसमें से माइनस करोगे ऑलवेज याद रखना ट्वेंटी फाइव से माइनस करो कितना आएगा फिर हमने कहा सर उन्नीस आएगा बोलो और छह की कमी है ना तो छे का स्क्वायर कर दो थर्टी सिक्स यही आपका आंसर हो गया क्या किसी बच्चे को जरा सा भी कोई डाउट क्या किसी बच्चे को जरा सा भी कोई डाउट आसान है ना देखो कितना ईजिली आप कितने बड़े बड़े नंबर्स का स्क्वायर क्रैक कर रहे हो है ना पता भी नहीं चल रहा होगा आप लोगों को यार ये तो बड़ा आसान हो गया और करें कुछ और दिया जाए चलो एक और करके दिखाओ मैंने कहा 42 का स्क्वायर निकाल के बताओ जल्दी से सारे बच्चे 42 का स्क्वायर सारे बच्चे जल्दी से बिना देर किए फोर्टी टू का स्क्वायर एक सेकंड के अंदर एक मिनट चलो दो सेकंड के अंदर करके दिखाओ जल्दी से बहुत आराम से कर लोग बच्चों है ना देखो कैसे करोगे आप लोग क्या तरीका है सिर्फ चेक करो फिफ्टी से कितना कम है हमने सर कम है सिंपल कितना कम है बच्चों ये एट कम है तो हम किसमें से माइनस करेंगे इस बार वही वाला हाल है कर्मा अप्रोच नहीं है इनके लिए प्रोटेक्टर कौन है इनका जो बचाने वाला है व्यक्ति वो कौन है ट्वेंटी फाइव है तो हम ट्वेंटी फाइव में से हम एट माइनस करेंगे राइट right? यानी कि ये 50 से कितना कम है एट कम है तो एट का इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा ट्वेंटी और यहां पर क्या है एट है तो एट का स्क्वायर कर दो 64. क्या किसी बच्चे को जरा सा भी कोई डाउट जरा सा भी कोई कंफ्यूजन नहीं है ना इजिली क्रैक कर पा रहे हो बहुत बढ़िया चलो एक और लेते हैं जल्दी से फिर अब मुझे जल्दी से बच्चे बता दें कि अगर मैंने 48 का स्क्वायर निकालने को कहा आपसे तो इसका स्क्वायर क्या होगा सारे बच्चे जल्दी से 48 का स्क्वायर कर पाओगे आप लोग बच्चों 48 का स्क्वायर कितने बच्चे कर पाएंगे बहुत आसान है बेटा है ना अगेन देखो कितना कम है 50 से हमने सर ये दो कम है तो इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा पड़ेगा 25 25 के ऊपर ना तो 25 में से आप दो कर दो माइनस कर कितना हमने सर 23 आ गया इजी 23 आ गया इजी बहुत अच्छे अब यहां पर टू है टू का स्क्वायर कितना होगा हमने सर फोर होगा फोर नहीं यूज करेंगे हमें डबल डिजिट चाहिए होती बेटा है ना तो हमने टू का स्क्वायर कर दिया कितना आ गया हमने जीरो फोर आ गया इजी यानी कि टू थ्री जीरो फोर वुड बी द राइट आंसर आसान है

गलत बात होगी अगर आप ये बोलो कि सर मुझे वन से ट्वेंटी उसका रोल है अगर आपने एक पच्चीस तक के स्क्वायर्स याद कर लिए तो सोच के देखो गिफ्ट के रूप में आपको क्या मिल रहा है आपको वन से हंड्रेड तक के स्क्वायर्स याद करने का मौका मिल रहा है है ना मतलब याद क्या आपको ऐसी अप्रोच मिल रही है कि आप दो सेकंड के अंदर स्क्वायर क्रैक कर दे रहे ना तो वन से ट्वेंटी आपका स्क्वायर याद होना चाहिए बेटा देखो अब ये फिफ्टी से कितना कम है हमने हमेशा ट्वेल्व कम है राइट तो इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा हमने सर ट्वेंटी फाइव के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा यानी कि ट्वेंटी फाइव में से ट्वेल्व माइनस कर दो क्योंकि 12 कम है ना ये तो आप 25 में से 12 माइनस कर दो सिंपल ठीक है तो कितना आ गया हमने सर 13 आ गया अब जो यहां पर 12 है इसका स्क्वायर होता है सारे बच्चे हमने सर 12 का स्क्वायर होता है 144 तो 44 का हम यहां पर यूज करेंगे और इस वन को हम यहां लगा देंगे कैरी तो आंसर कितना आ गया हमने सर वन फोर कह सकते हो विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर आपका पेन और पेपर भी यूज नहीं होगा करेक्ट है, है ना एक और किया जाए एक और किया जाए चलो एक और कर लेते हैं आपकी तसली के लिए मन बच्चे कहेंगे सर आपने तो है ना कम किया हम हम उससे आप ज्यादा उम्मीद करते हो चलो यह करके दिखाओ थर्टी का स्क्वायर कैसे करेंगे बताओ जल्दी से सारे बच्चे थर्टी का स्क्वायर कैसे करेंगे जल्दी से सारे बच्चे बताएं थर्टी का स्क्वायर कैसे करेंगे कितना कम है बच्चों हमारा जो नंबर है यह 50 से कितना कम है सारे बच्चे 50 से यह कितना कम है 18 कम है सिंपल है ना तो अगर ये 18 कम है तो हम किससे माइनस करेंगे हम अपने 25 से माइनस करेंगे इनके प्रोटेक्टर से इनके बचाने वाले से है ना यानी कि हम 25 से कितना माइनस कर दे 18 माइनस कर दे बोलो हमने क्या किया हमने 25 में से 18 माइनस कर दिया कितना आएगा बच्चों हमने कहा सेवन आएगा इजी कोई कंफ्यूजन नहीं कोई डाउट नहीं है ना सेवन आ गया अब यहां पर 18 दिखा मुझे 18 का स्क्वायर क्या हर एक बच्चे को याद है बिल्कुल याद है कितना होता है थ्री होता है तो हम आखिरी दो प्लेस यूज करेंगे ट्वेंटी और ये जो थ्री है इसको हम यहां पर कैरी कर देंगे कितना आएगा बताओ बच्चों बताओ हमने सर वन क्या हर एक बच्चे का आंसर यही आ रहा है क्या हर एक बच्चे का आंसर यही आ रहा है बिल्कुल यही आ रहा है सिंपल देखो कितना ओरली मतलब विद इन सेकंड दो सेकंड के अंदर आप आंसर क्रैक कर रहे हो वो भी बिना एफर्ट किए है, है ना वरना आप क्या कर रहे होते आप खोपचा अप्रोच यूज थर्टी एट 38, फिर 38, है ना मल्टीप्लाई करने में लगे पड़े हो एट एट या ट्वेंटी फोर कुछ नहीं करना है कुछ नहीं करना है ना एक और दिया जाए एक और देते हैं चलो अब देखो हमें एक काम और करना है हम बेस फिफ्टी के अराउंड एक चीज और नोटिस करेंगे ठीक है देखो क्या बेटा बहुत ध्यान से बहुत शानदार तरीका बेस फिफ्टी के अब हम आपसे पूछने वाले हैं आप लोग मुझे बताओ कि 54 का स्क्वायर क्या होगा देखते हैं सबसे पहले कौन सा बच्चा बताता है 54 का स्क्वायर क्या होता है सारे बच्चे सारे बच्चे बताएंगे कि सर 54 का स्क्वायर क्या होता है तेजी के साथ अब आपको क्या करना है अब आपको यह देखना है कि 50 से अबव कितना है बच्चों ये 50 से अबव कितना है हमने सर ये फोर एबव है तो अगेन कौन इनका जो आ, कह सकते हो जो इनका बचाव करता है वो कौन है ट्वेंटी है ना

तो मुझे उम्मीद है आप लोग को भी बहुत अच्छा लग रहा होगा कि यार ये तो बहुत इजिली क्रैक हो रहा है जल्दी से सारे बच्चे अब मुझे बच्चे बताएंगे फिफ्टी सिक्स का स्क्वायर क्या होगा जल्दी से सारे बच्चे रिजल्ट बताएं कि फिफ्टी सिक्स का स्क्वायर क्या होगा जल्दी से सारे बच्चे फिफ्टी सिक्स का स्क्वायर बच्चे कह रहे हैं सर एक अप्रोच और भी होती है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्र की वो भी होती है बट उसके लिए आपको पेन और पेपर यूज करना पड़ेगा बट अगर आप इसमें महारत हासिल कर लिए ना तो पेन और पेपर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आप मेंटली है ना ओरली आप क्रैक कर पा रहे हो राइट ध्यान देखो क्या करेंगे हम लोग कुछ नहीं करेंगे 50 से कितना अबव है मन में कैलकुलेट कर सकते हो आप लोग 50 से कितना अबव है हमने साथ छे अब है तो कितना हम जोड़ देंगे 25 में हमने साथ छे जोड़ देंगे है ना 25 में ऐड करना होता है हमको तो 25 में हमने कितना ऐड कर दिया सिक्स ऐड कर दिया क्यों क्योंकि पचास जो है फिफ्टी जो है वो फिफ्टी से सिक्स एबव है तो सिक्स एड कर दो कितना हो गया हमने साथ थर्ट हो गया और यहां पर क्या है सिक्स है ना तो सिक्स का स्क्वायर कर दो छत्तीस बस यही आपका आंसर हो गया फिनिश है ना इकतीस छत्तीस एक और लिया जाए थोड़ा सा टफ किया जाए

उसमें कैलकुलेशन के ऊपर काम होता है हार्ड एंड फास्ट कैलकुलेशंस होती हैं फाइव सेकंड का टाइमर होता है खट 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 क्वेश्चन आते जाते हैं बच्चे क्रैक कर रहे होते हैं एक बहुत बड़ी संख्या बैठती है तीन चार हजार बच्चे उसमें होते हैं और सुबह सुबह छह बजे अपने ब्रेन को कह सकते हो ट्रेन कर रहे होते हैं है ना मॉर्निंग में आप मैथ्स मेडिटेशन कर रहे होते हो मैथ्स योगा कर रहे होते हो और उससे आपकी स्पीड एंड एक्यूरेसी इंप्रूव हो रही होती है तो अगर आप लोग नहीं जुड़ते हो वायरल मैथ्स में तो जुड़ा जरूर करिए फिलहाल मेरे बहुत सारे बच्चे ऐसे जो है वायरल मैथ्स रेगुलर वाले हैं उनको सिक्सटी का स्क्वायर रटा हुआ है चालीस छियानवे पेन और पेपर क्या वो तो सोते हुए उनसे पूछ right? लेकिन फिर भी अप्रोच जो है उसका हम लोग यहां पर यूज करके दिखाएंगे तो अगेन अप्रोच वही है क्योंकि हमने बेस क्या लिया है फिफ्टी लिया है ना तो फिफ्टी से कितना है? सर, है. तो हम ट्वेंटी फाइव में फोर्टीन एड कर देंगे ठीक है बहुत अच्छी बात है फोर्टीन एड किया आपने रिजल्ट आ गया थर्टी नाइन अब आपको यहां पर 14 दिखा 14 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों हमने सर 196 होता है तो यहां पर हम 96 लिखेंगे लेकिन यहां पर हम 1 इसमें ऐड कर देंगे कितना आ गया हमने सर 4096 बताया था ना छियानवे को जरा सा भी कोई डाउट हुआ क्या किसी बच्चे को जरा सा भी कोई डाउट हुआ समझ में आ रहा कितना मासूमियत से कितना प्यार से कितने अच्छे लेवल के नंबर्स का आपने स्क्वायर निकाल दिया वो भी कह सकते हो विदाउट यूजिंग पेरेंट पेपर है ना विद इन टू सेकेंड करेक्ट एक और दिया जाए ग्लोब डेली होती है music, अच्छा है है अच्छा आपस में डिस्कशन हो ठीक ठीक क्या एक एक और दिया जाए चलो लास्ट देते हैं इसके बाद हम सेशन को ओवर करेंगे जल्दी से सारे बच्चे 68 का तेजी के सारे बच्चे 68 का स्क्वायर क्या, क्या होता है कौन सा बच्चा सबसे पहले बताएगा 68 का स्क्वायर बहुत आसान है बेटा यहाँ पर आपको अगेन चेक करना है कि जो भी इफेक्ट होगा वो 25 पर पड़ रहा होगा से अगर वो 50 से अब है तो जो एक्स्ट्रा पोर्शन है वो 25 अपने कर ले रहा ना? तो 25 में 18 ऐड करना देखो कितना आसान होता है पता है क्या 20 जोड़ करके दो कम कर दो सिंपल 20 जोड़ के दो कम कर यानी कि 45 में दो घटा दो फोर्टी बोलो हमने कैसे ऐड किया हमने कुछ और किया नहीं हमने बी जोड़ा दो घटा लिया ऋतिक रोशन अप्रोच टीडिंग, टीडिंग। पहले बी जोड़ा दो कम कर लिया ना थ्री ट्वेंटी फोर होता है कुछ नहीं करना ट्वेंटी फोर यूज करेंगे और थ्री को हम इसको कैरी करा देंगे यानी कि आंसर वुड बी फोर सिक्स टू फोर बताओ क्या सारे बच्चों का आंसर ये आ रहा है तो ये रहा ये रहा बच्चों क्या यहां पर आपने क्या सीखा टोटली totally, जो मैंने आपसे शुरू में कमिट किया था जो मैंने प्रॉमिस किया था कि वन से लेकर के आप हंड्रेड तक के सभी स्क्वायर्स को आपने फाइंड आउट करने का तरीका सीख लिया बोलो है ना ओरली यानी कि दो सेकंड के अंदर आपने हो सकता है बीस से पच्चीस मिनट मेरे को दिए होंगे लेकिन जिन बच्चों को स्क्वायर्स नहीं याद हुए होंगे वो आज इसी मोमेंट में, में मेरे ख्याल से वन से लेकर के हंड्रेड तक के स्क्वायर्स याद करके जाएंगे अब है ना यानी कि याद नहीं भी होगा बट वो मेंटली क्रैक कर पा रहे होंगे अगर कोई उनसे पूछेगा तो उनको समय नहीं लगेगा वो ओरली दो सेकंड के अंदर तीन सेकंड के अंदर वो आंसर दे पाएंगे थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी हो सकता है अभी ना हो रहा हो बट अगर आप रेगुलर रहोगे और अगर आप हाँ एक चीज़ और अगर आप डेली बेसिस पर वायरल मैथ्स के साथ जुड़ रहे हो सुबह सुबह छह बजे तो ऑटोमेटिकली आपकी इतनी स्पीड एंड एक्यूरेसी हाई हो जाएगी कि आप ओरली क्रैक कर रहे हो क्योंकि एक तो सुबह सुबह का समय है यहाँ पर आप उठते हो तो आपका ब्रेन वैसे ही फ्रेश रहता है और आप सुबह सुबह उठ के क्या कर रहे हो कैलकुलेशन कर रहे होते हो रहे होते तो ऑटोमेटिकली आपका आईक्यू लेवल हो हाँ जाता है ना तो सेशन को बच्चों हम यहीं पर ओवर करते हैं उम्मीद कि यह सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा so, सो अगर सेशन अच्छा लगा तो इस वीडियो के लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर देना और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना, ना भूलें। मिलते हैं आपसे कल सुबह छह बजे अपने अगले सेशन में आप पढ़ते रहे मुस्कुराते रहे देखते रहे सीखते रहे ट्वेंटी फोर सेवन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और अपने पेड बच के साथ थैंक यू सो मच जय बेटा